अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे हाथ में एंटी फॉग फिल्म है और इसे रेन प्रूफ फिल्म भी कहा जाता है। एक छोटे साइज में है जो कि साइड मिरर के ऊपर लगेगी और एक जो है ये बड़े साइज में है जो कि यहाँ पर लगेगी इस मिरर के साथ, ताकि बारिश हो या फिर फॉग ज़्यादा हो तो मुझे जो बाहर साइड मिरर का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा हो। इसको ऑर्डर करने की वजह ही यही थी क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बारिश के अंदर गाड़ी को ड्राइव किया तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ, क्योंकि साइड मिरर के ऊपर भी बारिश के कतरे आ गए, इस मिरर के ऊपर भी बारिश के कतरे आ गए, तो मेरे लिए जो है मिरर के ऊपर पीछे गाड़ियों को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो अब जल्दी से इनकी गाड़ी के अंदर ही बैठकर अनबॉक्सिंग करता हूँ, फिर इनको मिरर के ऊपर इंस्टॉल करूँगा और फिर लाइव डेमोस का आपके साथ शेयर करता हूँ पानी डाल के कि कितना है ये वाटरप्रूफ है। सबसे पहले साइड मिरर के जो एंटी फॉग फिल्म है उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसके अंदर से हमें मिल जाते हैं कुछ क्लीनर जिनसे साइड मिरर्स को क्लीन करूँगा। और यहाँ पर मेरे पास दो फिन्स आ जाती हैं दोनों मिरर्स के लिए, तो इनको मैं रख रहा हूँ साइड के ऊपर। अब ये जो बड़ी फिल्म है जो कि मेरे लगेंगी मेन मिरर के साथ, इनकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ जल्दी से। इसके अंदर भी आई गेस यस दो हैं, दोनों मिरर्स के ऊपर लगेंगी राइट एंड लेफ्ट। इसने यहाँ पर लग जाना है ताकि मुझे बाहर जो मिरर का व्यू है वो सही नज़र आए। इसके अलावा और क्या है भाई इसके अंदर, अच्छा इसके साथ भी अंदर जो हैं वो स्क्रीन प्रोटेक्टर एक्सेसरीज हैं, वो देखता हूँ क्या है। ये एक हार्ड गत्ता टाइप है जो ऐसे मिरर के ऊपर करेंगे ताकि मिरर के अंदर एयर ना हो सके। मैं जल्दी से इसको ओपन करता हूँ। तो भाई इसके अंदर है मिरर क्लीनर। अभी जो इसकी अपनी एसेसरीज थी उन ही के साथ मैं इस मिरर को जो है थोड़ा सा क्लीन करूँगा। यहाँ पर दो दिए गए हैं, एक जो है वो वेट है और एक जो है वो ड्राई है। तो पहले जो ड्राई है जो वेट है उसके साथ इसको क्लीन करूँगा। लेट्स सी यार बेहतरीन, इससे काफ़ी अच्छे से इसकी सफाई हो जाएगी। अच्छा ये जो क्लॉथ ही था देखने में ये भी ड्राई था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको उसके ऊपर मूव किया है तो ये वेट होना शुरू हो गया था। और अभी जो ये दूसरा है ये है ड्राई, इसके ऊपर अभी ड्राई से मिरर को करना है जी ड्राई। ये कुछ इसके मिरर के अपने दाग हैं जो कि नहीं जाएंगे। अभी कर रहा हूँ फिल्म को इंस्टॉल। अच्छा यहाँ पर आपको क्लियर ऑप्शन दिए गए हैं, मिरर क्लियर प्लीज़ पील ऑफ द मास्क बिफोर एप्लीकेशन, यानी जो ये रेड वाली साइड है ये होगी नीचे की तरफ यानी मिरर के साथ। अब यहाँ पर आकर इसको मैंने कर दिया है इंस्टॉल, हेयर इट कम्स। ये जो अभी हार्ड ये अब इसके अंदर जो थोड़ी सी हवा भरी हुई है वो इससे इजीली क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल था इसको इंस्टॉल करना। यहाँ से अब इसके ऊपर वाले कवर को मैं रिमूव कर देता हूँ तो फाइनल रिज़ल्ट मेरे पास आ जाएगा।
तो भाई ये कुछ सीन है ऐसे। लेकिन यहाँ पर अब छोटा सा डेमो करना है कि वाकई ये जो रेन प्रूफ फिल्म है ये वर्क करती है या नहीं। मैं इसके ऊपर अभी थोड़ा सा पानी डालने लगा हूँ, सो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। अब मैंने अच्छा खासा इसके ऊपर पानी डाला है। अब ये सीन चेक कर लें, अब इस एरिया के अंदर फिल्म लगी हुई है जो कि अब क्लियर नज़र आ रहा है, और साइड के ऊपर फिल्म नहीं थी तो यहाँ से आपको बैक व्यू जो है वो विजिबल नहीं है। मज़ीद इसके ऊपर अच्छा खासा भी पानी डालूँ तो भी जो व्यू है वो विजिबल है। ये था इसका सीन। अभी मैंने दूसरी जो बड़ी फिल्म है वो यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। मैं जल्दी से इस मिरर को साफ़ कर दूं क्योंकि अभी मैंने फ्रेश इसके ऊपर पानी डाला है। इस मिरर का भी सेम कुछ ऐसा ही सीन है। यहाँ पर भी हमें क्लीनर जो है वो मिल रहा है जो कि है ड्राई, सॉरी वेट। अब ये मिरर को अच्छी तरह से क्लीन कर लेगा, बेहतरीन। और इसी के साथ मुझे ड्रायर भी मिल रहा है जो कि मिरर को अभी कर देगा ड्राई। ज़बरदस्त। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे पहले गाड़ी के अंदर जाकर बैठना पड़ेगा और देखूंगा कहाँ से जो है इसकी विजिबिलिटी क्लियर आ रही है, तो मैं फिर वहाँ पर जाके इसको इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर सीन कुछ, मैं ज़रा रिलैक्स होके बैठ जाऊँ। ये जगह आ रही है भाई, अब मुझे इसको इधर इंस्टॉल करना है। इस फिल्म का भी मैंने निशान लगा दिया है कि इसको मैंने किस जगह के ऊपर इंस्टॉल करना है। सेम वही प्रोसीजर है कि यहाँ से जो रेड वाली स्ट्रिप है सबसे पहले उसको ओपन करना है, और अब इसको इंस्टॉल करना जो है वो इजी हो जाएगा। सो हेयर इट कम्स। नहीं, थोड़ा सा आगे लगाना था। यहाँ पे थोड़ा सा एंगल इसका ख़राब हो गया है। ये हल्का सा मुझे इंस्टॉलेशन में तंग कर रहा है। होपफुली एट द एंड रिजल्ट जो आएगा वो अच्छा ही होगा। सो हेयर इट कम्स। अभी इसके अंदर की जो एयर है, अपनी देसी जबान में जो इसकी हवा है वो निकाल दी जाए। एक बात मुझे इसकी अच्छी लगी है फिल्म की कि सारी चीज़ें इसके अंदर ही मौजूद हैं, क्लीनर भी, एयर प्रेशर भी, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना पड़ेगा। और ये दराज से जो है बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ से ऊपर वाली जो इसकी लेयर है उसको करते हैं जी रिमूव। अब आ गई है ये नीचे फिल्म, इसी के ऊपर भी अभी पानी को अप्लाई करके इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। अब देखें ये आपको एक स्क्वायर जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है, और ये साइड पे बबल्स पानी के बन रहे हैं। मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पानी डाल के गाड़ी के अंदर बैठ के फिर देखता हूँ कि इसका व्यू कैसा है। सो लेट्स गेट into the car। अब ये सीन चेक करें, अब यहाँ पे जो है लगी हुई है फिल्म यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके साइड पर आपको ये पानी के बबल्स नज़र आएंगे, जबकि ये जो दरमियान वाला पोर्शन है यहाँ पर कोई भी बबल नहीं है। और सेम इसी तरह
अभी आपको बाहर वाला सीन दिखा देता हूँ, ये देखें। अब जहाँ जहाँ पर फिल्म है वहाँ पर पानी नहीं खड़ा हो रहा, बाकी साइड पर आपको पानी के बबल्स नज़र आएंगे। तो ये था भाई इसका एक शॉर्ट सा रिव्यू और इंस्टॉलेशन। काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है ड्राइव के लिए। और अब आगे जो मेरी ड्राइव होगी बारिश के अंदर, होपफुली वो पहले से काफ़ी इजी होगी। आगे भी अब मज़ीद कुछ वीडियो गाड़ी से रिलेटेड ही होंगी, कुछ एसेसरीज होंगी और कुछ इसकी टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं उन पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।